दोस्तों इस वीडियो में मैच जो कवर करने वाले इंडिया वुमेंस पर से यू वुमेंस का जो कि टी मैच खेला जाएगा एशिया कप का अगर आप देखोगे तो ये जो मैच है ना इन्वेस्टमेंट के लिए पहली बात तो वुमेन मैच है तो स्मॉल लीग रैली दोनों तो में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ठीक है वीडियो को आखिर तक तो देखना इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे ठीक है लॉज के लिए टीम भी दूंगा और हर मतलब हर एक प्लेयर का स्टार्ट है वेन्यू स्टार्ट है हेड टू हेड स्टार्ट है वीडियो को आखिर तक देखना मैच स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं है एक बजे इस मैच का डेडलाइन है तो फाइनल टीम के लिए फाइनल अपडेट्स के लिए डेली फ्री विनिंग टीम के लिए आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यूज़ से ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर डेड लाइन ना पंद्रह मिनट पहले आपको फाइनल की टीम भी शेयर कर देता हूँ ग्राली की टीम भी आपको चैनल चाइप शेयर कर दे ट्राम चाहे ज्वाइन कर लेना मैं कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दूंगा आप उसके थ्रू टेलीग्राम चाय ज्वाइन करो सबसे बेस्ट मेथड है एंड उस सबसे आसान मेथड है उससे ऑफिशियल टेलीग्राम चाय ज्वाइन करोगे अगर आपको सर्च करना हो तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च पर जाना सर्च करना ऐप इलेवन टीम ऐप इलेवन टीम सर्च करोगे बिना स्पेस देखे तो चैनल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर अभी के टाइम करंटली अभी के टाइम इकतालीस हज़ार एक सौ से ज़्यादा लोग हैं फोटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड से ज़्यादा लोग हैं तो टेलीग्राम चैनल भी उससे ज्वाइन कर लेना लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स है ठीक है सर्च करोगे तो बहुत लोग बहुत फेक है लेकिन ऑफिशियल ज्वाइन करें तो कमेंट बॉक्स उसने पीने जहाँ पे डेढ़ लाइन से पंद्रह मिनट पहले पॉइंट शेयर कर देता हूँ तो जो उसे ज्वाइन कर लेना ऑफिशियल ज्वाइन करना कमेंट बॉक्स उसने पीने अगर आप बात करते हैं देखोगे तो ये जो मैच खेला जाएगा ना सेम वेन्यू पे खेला जाएगा जहाँ पे बाकी के मैचेस खेले गए स्टार्ट लेकिन अभी तक जो मैचेस खेले गए थे ना वो सेम वेन्यू पे खेला जाएगा सेम विकेट सब कुछ सेम है कुछ भी चेंजेस नहीं है अगर आप देखोगे लास्ट सिक्स मैचेस इस वेन्यू वेन्यूगा तो देखोगे इस विकेट पर सिर्फ इंडिया वुमेन्स ही स्कोर कर पा रही है अब खुद से देखना ठीक है अब जितने भी इंडिया वुमेन्स के मैचेस है इस विकेट पर अब देखना जो लास्ट मैच थी इंडिया वूमेन सर तीस रन से जीत ली थी ईजीली ठीक है एक सेकेंड तीस रन नहीं यार एक सौ डेलेस मेथड से जीती ठीक है ये ऑफ साइड ऑफ हो तो ये फर्स्ट मैच था जो कि इंडिया वुमेन्स और मलेशिया वुमेंस का मैच था आप देखोगे तो इंडिया वूमेन्स ने पहले बैटिंग करते वन हंड्रेड एट्टी वन स्कोर की थी चार विकेट के नुकसान पे और इजीली इस, इस मैच को विन कर गई उसके सेकंड मैच नौ विकेट से पाकिस्तान वूमेंस जीत गई थी क्योंकि चेसिंग सामने कमजोर टीम थी बांग्लादेश वुमेन्स में पाकिस्तान वूमेस का था ये चेसिंग में विन कर दिया गया ठीक है क्योंकि सामने कमजोर टीम थी थर्ड मैच देखोगे तो ये भी पहले बैटिंग करती हुई है जीती गई श्रीलंका वूमेस जीती थी ग्यारह रन से ठीक है एंड उसके अलावा देखोगे तो पाकिस्तान वूमेंस देखोगे तो ये मतलब कि सामने कमजोर टीम थी इसीलिए चेसिंग में जीत गई थी ठीक है तो जो मैचे जो जो टीम्स कमजोर है वही जो मतलब जो कमज़ोर टीम्स के साथ मैचेस है वो चेसिंग में विन की जा रहे हैं अदरवाइज इस विकेट पे ना ज़्यादा वही उन्हीं जितने चांसेस रहते हैं जो पहले बैटिंग करते हैं एंड बात करते हैं इंडिया वुमैन्स के जो कि मतलब तो लास्ट में देखोगे तो इंडिया वुमेन्स से फोटी वन से जीती थी पहले बैटिंग तो इंडिया वुमेन्स से वन स्कोर की थी और श्रीलंका से चेस नहीं हो पाई एशिया कप की बात है ठीक है एंड बात करते हैं बांग्लादेश वूमेंस का जो, जो मतलब कि जो मैच था सिक्स वाला ठीक है सिक्स मैच है जो कि नौ विकेट से बांग्लादेश वुमेन जीती थी थाईलैंड वुमेन और साथ ही साथ बांग्लादेश वुमेन के पीछे मैच था जिसमें इजीली बांग्लादेश वुमेन जीत गई क्योंकि सामने कमजोर टीम थी थाईलैंड इसलिए आप अगर स्टार्ट से खोगे इस विकेट पर तीस टी ट्वेंटी खेले गए अभी तक ठीक है और पहले बैटिंग करने टीम ने 20 मैचेस जीते सेकंड बैटिंग करने टीम ने 10 मैचेस ही जीते आप इससे और ये जो 10 मैचेस वाले हैं ना वो कमजोर टीम के साथ मैच खेले इसलिए वो चेस हो गया था तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो पहले बैटिंग है तो उसको जो एडवांटेज है जीतने को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की इस प्रकार ध्यान बात करते हैं हाई स्कोर अगर इस विकेट पे किसी ने स्कोर किया तो वो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ठीक है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बाद अपने इंडिया वुमेन्स टे इस विकेट पे 181 हंड्रेड्रेड्रेड्रेड एटी वन स्कोर कर रखे इनफैक्ट इस विकेट पर अगर को सबसे स्कोर करते तो इंडिया वुमैन से स्कोर करते हुए वन फिफ्टी वगैरह ऐसे इंडिया वुमेन्स स्कोर कर रही है बांग्लादेश वो सबसे कम मतलब कि यहाँ पर कम स्कोर किए बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न सब वही है वन फिफ्टी से एक वन सिक्सटी नाइन वगैरह है स्कोरिंग पैटर्न इतना से इतना तक बन सकता है रीसेंट फॉर्म अगर देखोगे अगर आप रिसेंट फॉर्म देखोगे तो दोनों टीम्स का रीसेंट इंडिया वुमेंस देखोगे तो ये इन्होंने टीम इधर से अपने इंडिया वुमेन्स ने पाँच में से तीन मैचेस मतलब कि वॉन की है ठीक है और यूए वुमेंस देखोगे तो इन्होंने टीम से पाँच में से तीन मैचेस लॉस किया और मैं आपको बता दूँ ये जो दो मैचेस लॉस किए के कारण है ये सामने मतलब कि मतलब की स्ट्रॉन्ग टीम थी ठीक है मजबूत टीम थी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया थी इंग्लैंड थी तो भी मतलब थोड़ा सा मतलब लॉस हो गया था अदरवाइज इंडिया वुमेन्स एक तरफा मतलब करके जाते और यूए वुमेंस दो मैचेस इसलिए जीत गए क्योंकि सामने कमज़ोर टीम थी थोड़ा सा इसलिए दो मैचेस से जीत गई इस बात ध्यान रखिएगा अदरवाइज इंडिया वुमेन्स जबरदस्त फॉर्म में चल रही है उसके लिए बात करते हैं फिर इंडिया जो कि प्रोवेन लाइन जो कि होनी चाहिए लास्ट मैच देखो तो टीम से पहली बार ओपन की थी टीम दस से इस मैच के लिए स्मृति मंदाना आ सकती है लेकिन चांसेस बहुत कम है क्योंकि ना पहली बात तो स्मृति मंदाना को तब खिलाया जाता है जब मतलब कि सामने मतलब कि मजबूत टीम वगैरह रहते अदरवाइज टीम समय ना मैं गहना ओपन कर सकता हूँ टीम उदर से मैं गहना ओपन करनी चाहिए मेरी से अदरवे स्मृति मंदाना तो अवेलेबल है ठीक है दोनों का आप रिकॉर्ड देख लो आप लास्ट में मेघना ने सिक्सटी नाइन स्कोर की थी फिर जीरो फिर फोर्टी वन यानी कि मेघेना ठीक ठाक फॉर्म में चलती है एक हीटर है टीम तो से मेघेना इस वक्त ध्यान गया और स्मृति मंदाना नो डाउट हर कोइट इनको जानते हैं इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस कराना जरूरती नहीं है किसी से भी सिर्फ अली ओपन करेगी हो सकती है स्मृति मंदाना ओपन कराए जिमा जो की टीम दस वन डर बैटिंग करेगी टीम की से हरमनप्रीत कौर जो ना बैटिंग करेगी टीम दस्य दयालिया हेमला था जो टीम दस से फैन बैटिंग करेगी टीम के तरह से ठीक है और बॉलिंग भी पा रही टीम तरह से रीचा गो जो की टीम दस इतना बैटिंग करेगी एक हीटर टीम से रिचा घोष उसके टीम से किरण कि, वगेरे और पूजा बस्तिक मेरे को जिसमें ज़्यादा चांसेस तो देखो है तो पूजा बस्तरकार के ही ज्यादा चांसेस है हो सकते है खेले दीप्ति शर्मा टीम उधर से इतना बैटिंग करेगी टीम उधर से बॉलिंग भी पाएगी टीम उधर से से, राना से में से कोई एक खेलेगा गए जिसमें मेरे हिसाब से क्रिकेट को खेलना चाहिए बट सन राना को लास्ट में जो रेस्ट पर रखा गया था उसका ध्यान रखिएगा ठीक है उसके राधा यादव टीम दस मैच के लिए अवेलेबल मेघेना सिंह भी अवेलेबल है हो है हैं कि रेनू रेणुका सिंह को वापसी कराया जाए क्योंकि का सिंह रिसेंटली काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही थी मेघना सिंह लास्ट में आउट मतलब कि गई थी विकेट लेस तो ध्यान रखिएगा टीम तरफ से बात करते लास्ट के पावर पर तो इसलिए मतलब कि पूरा मैच गया नहीं था मतलब पावर प्ले बॉलिंग लाइनअप से देखो तो फर्स्ट पावर प्ले दीप्ति शर्मा ने स्टार्ट की थी एक विकेट लेके गई काफ़ी अच्छी बात है कि फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग की थी रजवार के साथ स्टार्ट की थी मैं घना में गेना गेना बॉलिंग नहीं पाई थी क्योंकि मैच पूरा गया ही नहीं था इंडिया की टीम दैन बॉलिंग कर सकती थी दीप्ति शर्मा और साथ ही साथ रात याद जो कि देखने बॉलिंग कर सकती है बात करती है यही वोमेंस का जो कि होनी चाहिए बैटिंग ऑर्डर के साथ जो कि लाइनअप सी ईशा रोहित ओपन करेगी टीम के तरफ से ओपन करे टीम की तरफ से के साथ ओपन करेगी ईशा रोहित का देखोगे तो लास्ट में चार रन स्कोर की थी जीरो विकेट और टीम दस हर मैच बॉलिंग पा रही है हर एक मैच इनफॉर्म प्लेयर है ऐसे नहीं कि इस कभी कर बॉलिंग पाती है इस हर एक मैच बॉलिंग पाती हुई अच्छे अमाउंट ओपन करती है सतीश के साथ ओपन साथ सतीश के साथ ठीक है जो कि टीम से एक एवरेज फॉर्म में चल रही है कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कबीसा जो कि वन बैटिंग करेगी टीम से नताशा जो कि टीम से फोर ना बैटिंग करेगी छया मुगल जो कि फिफ ना बैटिंग करेगी टीम से खुशी शर्मा सिक्स ना बैटिंग करेगी टीम से उसके लिए समीरा जो कि सेवन ना बैटिंग करेगी टीम से उसके टीम से महिका गौर जो कि टीम से देखोगे तो एट ना बैटिंग करेगी टीम दस से वैसे नबी महेश जो कि टीम से नाइन्थ ना बैटिंग करेगी उसके टीम तो नए खेल जो कि टीम से ना बैटिंग करेगी उसके टीम से कोटे इस मैच के लिए अवेलेबल टीम दोस्तों तो, तो दोस्तों ये है यही भूमेस का रिसेंट फॉर्म और साथ ही साथ बैटिंग ऑर्डर प्रोबेन लाइनअ देख लो ठीक है एंड बात करते पावर प्ले तो फर्स्ट पावर प्ले छाया मुंगल ने स्टार्ट किए टीम उधर से देखोगे तो दो ओर बॉलिंग पाए थे ग्यारह रन दिए थे ठीक है ईसा रोहित के साथ ओपन किए थे मतलब टीम सौ ईसा रोहित ओपन भी करेंगे टीम उधर से इन्होंने भी दो ओर बॉलिंग पाए थे प्लस फिफ्टी रन दिए थे, थे उसके टीम से अगोर जो कि टीम उधर से तीन विकेट लेके गई कहीं ना ना कहीं लग साथ दे दिया हुआ ठीक है अदरवाइज इतनी विकेट टेकिंग नेचर की तो प्लेयर है नहीं पहली बात तो उसके टीजे वी महेश में तीन तीन विकेट लेके क्योंकि टी से बहुत इनफॉर्म है वी मैच में होप कर सकता हूँ कि ये तीन विकेट लेके तो मैं मान सकता हूं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ में करी नहीं देखो वी मैच रिसेंटली काफ़ी फॉर्म में भी चल रही थी आपको याद होगा जो मलेसिया टी ट्वेंटी में आपको याद होगा और यहाँ पे भी फॉर्म में चल रही है इन फॉर्म प्लेयर खुशी शर्मा भी अच्छी फॉर्म में चल रही थी ये बैटिंग भी अच्छी कर लेती थी खुर्शीष शर्मा अगर आप चाहो तो पिक कर सकते हो तो खुशी शर्मा को इस मैच के लिए लेकिन बहुत से लोग इग्नोर करने वाले बट आप ट्राई कर सकते हो तो टीम दस से उसके टीम दस देखो तो दो विकेट इन्होंने लिया था समीरा ने और साथ ही साथ टीम से महिका ने पिक किया था तीन तीन विकेट टेक किए थे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे लेकिन हो सकता है कि इससे विकेट लिस्ट चले जाए मेरे हिसाब से भी मैच तो फिर भी एक विकेट लेके जा सकती है बट महिका से सुनना होप नहीं है मुझे इस मैच में बात करते हैं और यू आई वूमेस के डेथ में जो बॉलिंग कर सकते टीम से, से महिका गोर जो कि दत्नम बॉलिंग कर सकती है तो आप इनको भी कवर कर सकते हो तो समीरा भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मेरे हिसाब से महिका को डेथ में बॉलिंग करनी चाहिए टीम उदर से उसके अलावा यू आई वूमेस के टॉप फैंटेसी प्लेयर्स जो कि होनी चाहिए इस मैच में जो कि इंपॉर्टेंट है इस सारा इंपॉर्टेंट है कि महिका गोर इम्पॉर्टेंट टीम से ले, ले, लेफ्ट आर्म मीडियम है तो आप जो उसे कवर कर लीजिए ठीक है एक मस्ट पिक होनी चाहिए मेरे हिसाब से उसके टीम उधर समीरा जो कि में बॉलिंग करती है आप उसके भी महेश को पिक कर सकते टीम उधर से काफ़ी टैलेंटेड है ठीक है आप कवर करके चल रहा उसके अलावा टीम दस इंडिया वूमेंस के टॉप फैंटेसी प्लेयर जो कि होनी चाहिए मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए दिप्प्य शर्मा उससे भी इंपॉर्टेंट टीम सब आप कैप्टन भी जा सकते हो अगर पहले बॉलिंग हो तो ठीक है उसके अलावा टीम दस मृति मंदाना शिफाली वर्मा और टीम रेनुका और से रेनुका सिंह और साथ ही सचिव रोडिस और रिजरी गेकवाट तो ये जो इंपॉर्टेंट पिक्स है बाकी जो अपडेट्स हैं मैं आपको टेलिया पर जो इन्फॉर्म कर तो एक से ज़्यादा लिखो पहली बात तो देखो ये मैं एक चीज़ चाहता हूँ पता है पहले हमारी बॉलिंग करें हमारे इंडिया वुमेन्स मैं चाहता हूँ पर्सनली अगर पहले इंडिया वुमैन्स से बॉलिंग करेंगे तो ये मैच हो सकता है कि एक तरफ आप खिल जाए तो अगर पहले इंडिया वो में से अगर बॉलिंग करें तो आप लोग इस बॉलिंग वगैरह में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो नॉर्मल अमाउंट से लेकिन कोशिश करना कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें अगर पहले बैटिंग रहे तो हालांकि फिर भी अपना बेस्ट यूज देंगे ठीक है कुछ ना कुछ ट्रम कार्ड यूज जरूर से करेंगे कुछ ना कुछ डिस्क जरूर से लेंगे अपडेट पे कर दूंगा एक्टिव रहना एंड एना बात करते हैं सीधा सीधा प्लेयर वाइज सैनिने लेकिन आपको फैन टू प्ले पे क्यों प्रेफेर करता हूँ कि फैन टू प्ले पे खेलनी चाहिए दोस्तों फैन टू प्ले पर ऐसे ही नहीं प्रीफर करते फैन टू प्ले पे खेलनी चाहिए दोस्तों फैन टू प्ले पे ए टू जेड -E फीचर्स अवेलेबल है ए टू जेड एड फीचर आपको पता है कि वुमेन मैचेस में हमें ज़्यादा मतलब ऑलराउंडर्स चाहिए ज्यादा बैट्स वोमेंस नहीं चाहिए हमें फालतू प्लेस पिक नहीं करना है तो ये फीचर सिर्फ और सिर्फ फैन टू प्ले पे अवेलेबल है तो जिन्होंने ट्राई नहीं किया पहली बार तो इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हर सिंह है तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया फटाफट से आप डिस्क्रिप्ट

टीम चलो दे चुका हो एंड बात करते हैं प्लेय वाइस एनैसिसिस चार घंटे ही बच के ये ज्यादा मतलब कि रात की वीडियो शूट कर लेता है चार पाँच बजे बट नहीं हो पाया ठीक है दो मोड से ऐप पे क्लासिक फैंटेसी चालीन फैंटेसी अगर मन कर रहा है कि आपको कि नहीं भाई यार हमको मन नहीं कर रहा है ग्यारह अपनी टीम बनानी है तो चालीस फैंटेसी खेलो ना जिसमें आप दो प्लेयर तीन प्लेयर चार प्लेयर की टीम बना सकें यूनिक फैंटेसी पूरे फैंटेसी फील्ड में सिर्फ फैन टू प्ले के पास ये फीचर्स अवेलेबल है क्लासिक फैंटेसी क्या है कि फैंटेसी हम नॉर्मली मतलब टीम बना सकते हैं ग्यारह प्लेयर्स की ठीक है बहुत ही स्मूथली ऐप चलती है बात कर विकेट कीपर से उस तो दोस्तों वीडियो को जो लाइक करी से मोटिवेशन मिलता है प्लीज वीडियो को जूस लाइक कर दीजिएगा चैनल सबसे पहले कौन ऑल पर सेट कर दो जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए बात कर विकेट कीपर से के लिए समझाऊंगा देखो पहली बात हो सबसे अच्छे ऑप्शन देखो री घोष पहली हो लेकिन मेरे हिसाब से सतीश के साथ जाए सतीश की क्या टीम तरह से ना बैटिंग काफी अच्छी कर रही काफी अच्छी फॉर्म में भी चल रही थी और टीम तरह से विकेट कीपिंग भी अच्छी कर ले तो साथ टीम से एक इन फॉर्म प्लेयर टीम तरह से ठीक है तो जहाँ सा रीचा को सीखा है बहुत नीचे बैटिंग तो साइड रखेगा आप त्रिस्टर सतीश के साथ ही जाओ इस इस केस में क्या 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 ज्यादा आप इंडिया के पिक कर सकते हो अब देखो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ कि इंडिया वूमेन्स पहले बॉलिंग करे तो हरमनप्रीत कौर को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए ठीक है मैं ड्रॉप कर रहा हूँ हरमनप्रीत कौर को मैं पिक कर पिकाँ जी मेडिस को पिक कर सकते हो मैं शिफाली वर्मा को पिक कर रहा हूँ और जिमा रोडिस को पिक कर रहा हूँ अब जो थर्ड ऑप्शन है स्मृति मंदाना है और साथ ही साथ अपने पास ऑप्शन है महिका गौरव जो कि दैथ में बॉलिंग कर रही है टीम की से पूरे चार ओवर बॉलिंग पा रही तो अगर आप चाहो तो पिक कर सकते हो टीम से पूरे चार ओवर बॉलिंग पा रही है पता नहीं अब लक साथ दे दिया था और दैथ में भी बॉलिंग करने आई थी अब कन्फर्मेशन तो नहीं है कि हाँ इस मैच में चारों बॉल नहीं पा लेगी बट लास्ट में ऐसा की थी उसके अलावा देखोगे तो स्मृति मंदाना इस मैच के लिए वापसी कर सकती है बट चांसेस मेरे हिसाब से कम ही है क्योंकि सामने आज भी कमज़ोर टीम है कल भी कमज़ोर टीम थी इसलिए नहीं खिलाया गया था रेस्ट पर रखा गया था तो हो सकता है कि मैं ही इस मैच में खेले अगर ऐसा होगा तो चेंजेस कर लेना ठीक है अगर पहले बॉलिंग होगा तो ओपनर्स को पिक कर जी मेरे को भी ड्रॉप कर देना अगर पहले बॉलिंग होगा तो मे वी साठ से सत्तर रन ही ज़्यादा से बन पाएंगे तो ध्यान रखिएगा उसी कैसे आप इस टीम बनाइएगा थोड़ा तो उसी लगा के दिमाग लगा के टीम बनाए नहीं कि कैसे आप हरमनप्रीत कौर को कैप्टन कर दो लो भैया साठ सत्तर रन बना वो क्या करेगी तो ध्यान रखिएगा ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है थोड़ा दिमाग लगा के उसी हिसाब से टीम बनाए आपको डे टेलीम पर कर दो तो टेलीम चाहे एक्टिव रहना तो अभी के लिए महिका गोल को पिक करके चलते हैं मैं तीन बैट्समैन बैट्समैन ट्राई कर रहा हूँ आप इसे पे चाहो तो मिनिमम दो के साथ जा सकते हो ठीक तो आप है आपको ड्रॉप करना हो तो गोल को आप कर सकते हो महिका को जिमा रोडिस को पिक करके चलाओ अगर आप देखो थर्ड ऑप्शन है अगर पहले बॉल है तो जिमा रोडिस के जब आप पिक कर लेना स्मृति मंदाना अगर खेलेगी तो ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये फिर सेवन एमगना खेल आप इनको पिक कर लें जो कि हीटर है टीम उधर से यही स्कोर कर देंगे साठ सत्तर रन तक खेले दप्त शर्मा इंपॉर्टेंट है ईसा हो ही तो जो कि इंपॉर्टेंट टीम से ईसा हो जाए जो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी मेरे हिसाब से चाहे आप मुगल इंपॉर्टेंट टीम दर से टी हेमलाता जो कि एक अच्छी प्लेयर है आप जा सकते हो टीम उद से बट लास्ट जो बॉलिंग नहीं पाई थी क्योंकि मैच पूरा गया नहीं था अदरवाइज से फिफ्थ बॉलर थी टीम दस से सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन कौन थे आपको पता ही होगा हरमनपी कौर थी और ये फिफ्थ थी यानी कि ये बॉलिंग पा सकती थी अभी साइड होता है बट पिक कर सकता हूँ मैं पेटिए पूजा वस्थ का जो कि काफ़ी अच्छी प्लेयर टीम से आप कवर कर सकते हो टीम से बट इस मैच के लिए मैं भी वापसी कर सकती मेरे हिसाब से स्विच कर सकती है अगर पहले बॉलिंग रहेगी तो उसके अलावा राधा यादव इंपॉर्टेंट है जैसे गिरड इम्पॉटेंट है सवीना में क्या ना रेनुअस्ती में से कोई एक खेलता था ठीक है सॉरी क्या बोल वो रश्मिना मेघना नहीं यहाँ पे मैं रेणुका सिंह और साथ ही साथ मेघना सिंह में से कोई एक खेले गए तो मेरे हिसाब से अगर रेणुका सिंह खेलेंगे तो रेनुका सिंह को पिक कर क्योंकि ला, लास्ट में चीज़ में रेस्ट पर रखा गया था इसलिए क्योंकि सामने इस कमजोरिटी थी तो अभी के लिए मेघेना सिंह के साथ ही जा रहा हूँ क्योंकि ये कन्फर्म खेलेगी खेलेगी ठीक है अदरवाइज पिक कर सो अब बस तक हमारे पास तेरह आप आपको डिसाइड करना पाए में देखो तेरह किट में नो डाउट हमें पिक करेंगे इंडिया के प्लेयर्स की पिक करेंगे तो अपनी टीम आप पिक कर सो जैसे कि कहाँ गई वी हाँ मैच जो कि विकेट टेकिंग नेचर प्लेयर है बट वो इंडिया के नहीं है तो उनको साइड रखते हैं नीचे दो सने राना जो कि किस वापसी करने का न्यूज आ रहा है ठीक है कि सच सनी राना वापसी करने वाली डी हमले तक साथ जा रहा बट अदरवाइज सने राना वगैरह खेलेंगे तो आप उनको पिक कर ले बट ये से फिफ्थ बॉलर तो इसलिए बॉल मैं पिक करके चल रहा हूँ ठीक है मेरे हिसाब से वही लाइनअप सुनी चाहिए उसी उसी के अकॉर्डिंग में टीम बनाया हु क्यों मैं आपको बताऊँ बता चुका हूँ पर चार न्यूज़ भी आ रहे हैं कि की जगह पर रेणुका सिंह खेलेगी और जैसे कि मेघेना की जगह पर खेलेगी स्मृति मंदाना ये भी न्यूज़ आया है साथ ही साथ एक और न्यूज़ आया है कि हेमलता की जगह पर खेल सकती पूजा बस्ती ऐसा न्यूज़ भी आया है ग्रेखवाड़ की जगह पर सने राना खेल सकती हैं ऐसा है भी न्यूज़ आया है बट मेरे हिसाब से वो न्यूज़ इस बदले हो सकता है कि इस मैच में यूज़ ना किया जाए वो सब चीज़ें क्योंकि हो सकता है कि आज सामने कमजोर टीम है तो ये सब संभालेगी इसी राजेश गेकवाड़ और साथ ही साथ राधा यादव संभालेगा दीप्ति शर्मा तो ये सब काफ़ी ऑल आउट करने के लिए तो तो मेरे हिसाब से इसी टीम के सा जाओ अगर पहले बॉलिंग तो आप जिमी रोटीज़ को ड्रॉप करके ट्राई कर लीजिएगा मघेना को ट्राई कर लीजिए ठीक है मेघेना को ट्राई कर लेना अगर खेलेगी तो अगर स्मृति है तो मैं स्मृति मंदाना को ट्राई करें लॉस गले टीम बनाई है नहीं कि अपना हरमनप्रीत कौर को पिक कर लिए पहले बॉलिंग है हरमनप्रीत को पिक कर लिया है तो कैप्टन चले गए ले भैया कुछ नहीं करेगी तो कैप्टन स्किप ने बात करें तो मेरे हिसाब से दीप्ति शर्मा सबसे बेस्ट क्योंकि पूरे वर्थ फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग करते टीम दस से और दस में भी बॉलिंग करने आते तो ऐसे कैप्टन प्रबल दावेदार है इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं क्योंकि सामने कमजोर टीम है ट्रस्ट कर सकते इन पे वाइस कैप्टन से शेफाली वर्मा जीमारो डिस्ट पास रिस्की नहीं है टीम क्योंकि हो सकता है उतना रन ना बने पहले बॉलिंग रहेगी तो मैं अपना वाइस कैप्टन फिलहाल के लिए राधा यादव के साथ जा रहा हूँ आप अपने हिसाब से देखेंगे आप वाइस कैप्टन से शेफाली वर्मा भी काफी सही रहेगी मैं राधा यादव नहीं सो गई न्यू वर्ष से स्टार्ट करी इन्हीं के साथ तो अभी सेम टीम के साथ जाकर टू प्ले टूपे कॉन्टेस्ट को बुक कर दो स्मूथली मेरी फैन प्ले की टीम बन चुकी है तो सेम टीम के साथ जाओ और ग्रेक व रीसेंटली थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चाहिए जो हो सकता है विकेट ले तो स्मूथली मेरी फैन टू प्ले की टीम बन चुकी है देखा कितनी स्मूथली टीम को दिखे तो फैन टे इसलिए बोलते हैं फैन टू प्ले पूरे बेस्ट है पूरे फैंटेसी फिल्म में आप पे दो बैट्समैन दो बॉलर्स के साथ जा सकते हो जो अपने आप भी बहुत अच्छी बात है यार ठीक है या फिर बड़े इन्वेस्टर के लिए भी कॉन्टेस्ट अवेलेबल है छोटे इन्वेस्टर के लिए भी कॉन्टेस्ट अवेलेबल है खुद से तो छोटे इवेस्टर सब कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं और आप बड़े इन्वेस्टर मेरी तरफ वुमेन मैचेस ज़्यादा ही पसंद है आपको मेरी तरफ तो आप ऐसे ऐसे लीग्स खेल सकते हो क्योंकि वुमेन मैचेस मैं पार्सल काफी पसंद करता हूँ तो सेम टीम के साथ जाके फैन टू प्ले पे कॉन्टेस्ट बुक कर दो बट एक चीज़ का ध्यान है लॉजिक आपको बता चुका हूँ आपको करना क्या है फॉर्मूला अपना सिंपल सा आपको करना क्या है अगर पहले इंडिया बॉलिंग करेगी तो आपको टॉप ऑर्डर्स को पिक कर लेना है सिर्फ दो जैसे कि सिफाली वर्मा में कहना इनाफ है इनाफे दो उसके अलावा सारे मेन बॉलर्स को कवर कर लेना है जो पूरे चाचा हो वॉलिपाई सबको कवर कर लेना है तो ऐसे टीम बनाने के लिए हूं। मैं बोल रहा हूँ सिंपल सर लैंग्वेज में आपको समझा चुका हूँ आई होप आपको ये वीडियो जूस से पसंद आई होगी और साथ ही साथ देखोगे तो मैंने मतलब कि उन प्लेर्स को जो मैं आपको स्टार्ट उसको जूस से फॉलो करना जो स्टार्ट से हो ना उसको जूस से फॉलो करना तो अभी सेम टी से जाके फैन टू पे पे कॉन्टेस्ट बुक कर दो अभी फैन टू पे पे इन्वेस्टमेंट करना ठीक है सेम के से जाओ कोई चेंजेस हो तो अपडेट टेलियाँ पे करूँगा तो स्क्रीनशॉट लो जाकर कॉन्टेस्ट को बुक कर दो सेम टीवी के साथ ठीक है सेम टी वे से जाओ जब तक फैन टू पे पे जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया फटाफट से आप डाउनलोड कर लो आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप उसके थ्रो फैन टू पे को डाउनलोड करें रेफर कोड मांगेगा तो आप आपने रजिस्टर कर लेना जिससे आप हमारे फैमिली मेम्बर बन जाओगे प्लस आपको बोनस मिलेगा तो जो उसे यूज़ कर लीजिएगा रेफर कोड मिलता है टेलिया पर ठीक है एक्टिव रहना ब्रेकवार मेरे हाथ से बेस्ट वाइस कैप्टन नीचे का पहले बोल नहीं रही तू हमला तक जब देखूँगा सन्या राना वगैरह खेलेंगे पूजा वस्तकार वगैरह तो उनको भी पिक कर लूँगा वो सब इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और कैसे पिक करूँगा टेली आप अपडेट चाहे तो टेलिंग रहना डेड लाइन से बंद मैं पहले पॉइंट टीम शेयर कर दूँगा कमेंट आपको लिख लेना आप उसके थ्रू ज्वाइन कर लेना ठीक है एक्टिव रहना कोई डाउट हो तो चेक कमेंट करना